हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी डिजीज के बारे में बताएंगे जो हमारे शरीर में कंपन वाला पक्षाघात भी कह देते हैं, इसको पार्किंसन भी इसको कहते हैं। पार्किंसन अर्थात कंपन वाला पक्षाघात। इसमें आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बेस्ट मेडिसिन बताएंगे। पहले मैं आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स के आधार से एक एक मेडिसिन आपको बताऊंगा, इसमें कौन सी मेडिसिन किस सिम्टम्स के आधार से आप दे सकते हैं। पार्किंसन जिसको हो जाता है, पार्किंसन के पेशेंट अपने हाथ से एक गिलास पानी तक पीना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके हाथ जब कांपते हैं तो जो पानी भी पीते हैं या खाना खाते हैं तो हाथों में कंपन की वजह से उनसे उनका वो खाना यानी पानी भी खाना भी कुछ भी वे खाने की पीने की कोशिश करते हैं तो वो अपने ऊपर गिरा लेते हैं, क्योंकि उनके हाथ स्थिर नहीं रहते, कंपन बना रहता है। ये एक ब्रेन डिजीज है, ब्रेन से संबंधित ये सारी दिक्कतें होती है पार्किंसन की। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन बताऊँगा सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। इसमें सारा शरीर व्यक्ति का लड़खड़ा जाता है, व्यक्ति के हाथ पैर कांपने लगते हैं, तंद्रालु हो जाता है पेशेंट, हर समय आलस्य छाया रहता है, आंखों में भी इसके आलस्य छाया रहता है। हर समय पेशेंट का मन ऐसा करता है कि मैं पड़ा रहूं, मुझे कोई छेड़े ना, अर्थात रोगी आँख बंद किए रहता है और एक ही स्थिति में पड़ा रहता है। व्यक्ति को प्यास बिल्कुल नहीं लगती। ये आपको मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ कि किस सिम्टम्स के आधार से कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हैं। व्यक्ति को प्यास बिल्कुल नहीं लगती, ये नोट करना आप, व्यक्ति को प्यास बिल्कुल नहीं होती, उस स्थिति में पेशेंट को हम क्या मेडिसिन देंगे। डिप्थीरिया की शिकायत हो जाती है पेशेंट को, यहाँ तक कि इसको प्यास ना लगने के साथ साथ अंगों में, आँखों में, गले में, छाती में, हाथ पैर आदि में की मांसपेशियां ऐसी हो जाती है जैसे पैरालाइज हो गया हो, यानी वे काम करना बंद कर देती है, बहुत ही शून्यता की तरफ मांसपेशियां हमारी चली जाती है। ऐसी स्थिति में यदि किसी पेशेंट को डिप्थीरिया की भी शिकायत हो, सर्दी, खांसी, सीलन भरे वातावरण में यदि व्यक्ति रहता है, ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए जैल्सीमियम 30 पोटेंसी में यदि आप पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही उत्तम कार्य करती है जैल्सीमियम। इसी क्रम में यदि मरीज के शरीर में कंपन तो जैल्सीमियम की तरह का ही होता है, कमजोरी भी बहुत ही ज़्यादा होती है, कमजोरी के साथ साथ इस पेशेंट को पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पिंडलियाँ आकड़ी रहती है, बेहद कमजोरी महसूस करता है पेशेंट। अगर कोई देख ना रहा होता है उस पेशेंट को तो वो लड़खड़ा कर चलने लगता है, यानी लंगड़ा कर चलने लगता है। यदि कोई देख रहा होता है तो उसको ये लगता है कि मुझे कोई देख रहा है, कोई ये ना समझे कि मैं लड़खड़ा के चल रहा हूँ कि इसने कहीं नशा तो नहीं किया हुआ है ना फ्रेंड। इसके ये सिम्टम्स हैं, यानी आप पेशेंट को यदि ऐसा महसूस हो आपके किसी भी पेशेंट को कि पेशेंट के हाथों पैरों में जैसे जान ही ना रही हो। एक और विशेषता इस पेशेंट की है कि इस पेशेंट को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ये पेशेंट मीठे का इतना शौकीन होता है, इसको जहाँ भी कहीं मीठी चीज़ें, कोई भी चीज़ मिठाई में मिल जाती है ये तुरंत उसको खा लेता है, लेकिन इसको मीठा सूट नहीं करता। जैसे ही ये मीठे को खाता है, मीठी कोई भी चीज़ खाता है, तो इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऐसे पेशेंट के लिए अर्जेंटम नाइटिकम बहुत ही बेस्ट वर्क करती है। आप जैल्सीमियम के साथ इसको प्रायक्रम में यानी अल्टरनेटली दो दो घंटे के अंतर से जैल्सीमियम 30 दें और उसके दो घंटे बाद अर्जेंटम नाइटिकम दें, फिर दो घंटे बाद जैल्सीमियम। इसी तरह अल्टरनेटली अगर आप मेडिसिन, दोनों मेडिसिन किसी भी पेशेंट को ये शिकायत हो देते हैं तो बहुत जल्दी ऐसे पेशेंट को रिलीफ होता है, उसको जो कंपन की शिकायत होती है वो दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं आपको आगे बताता हूँ एक और मेडिसिन के बाद में बारे में, कि
कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कंपन होता है खुज, और जो जिस हिस्से में उनको सुन्नपन होता है, कंपन होता है, उस हिस्से में उनको खुजली भी बहुत ज़्यादा मचती है। उनके शरीर को ऐसा महसूस होता है उन पेशेंट को कि मेरे शरीर का सारा रक्त जम गया है, यानी मेरे अंग जम गए हैं ठंड की वजह से। अंगों में ऐसे लगता है जैसे ठंडी सुई घुसेड़ दी गई हो, चुभो दी गई हो, ऐसा महसूस होता है ऐसे पेशेंट को। यहाँ तक कि रोगी व्यक्ति टांग पर यदि टांग रखकर बैठता है, लेटता है, तो व्यक्ति की टांगे भी सुन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप एगारिकस मेडिसिन, एगारिकस मस्केन के नाम से ये मेडिसिन आती है, आप इसको 200 पोटेंसी में दें। आपको देनी कैसे है, ये 200 पोटेंसी में जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपको पेशेंट को बिस्तर छोड़ने से पहले इस पेशेंट को आप 200 पोटेंसी की डायरेक्ट टंग के ऊपर 2-3 बूंद दवाई डाल दें। उसके बाद पेशेंट 5-7 मिनट रेस्ट करें, उसके बाद उठेगा तो पेशेंट को काफ़ी राहत महसूस होगी। इसी तरह से आप इस पेशेंट को रात में सोते समय इस मेडिसिन को दें तो व्यक्ति बहुत जल्दी इस बीमारी से मुक्ति पा सकता है, निजात पा सकता है। कुछ व्यक्ति में जैसे वे सोने की कोशिश करते हैं और नींद आ भी जाती है, और नींद आ जाने के बाद में नींद लेते ही झटका जैसा लगता है, व्यक्ति एकदम से चौंक जाता है, यानी जैसे ही आंख बंद हुई नींद आई, नींद आते उसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, शरीर में हृदय की धड़कन धक धक सुनाई देने लगती है पूरे शरीर में, यहाँ तक के मरीज के छाती सिर में हृदय की धड़कन धक धक हर समय बनी रहती है। उस समय आप जो मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ उस मेडिसिन को दें। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस मेडिसिन के भी, जिसके पूरे शरीर में, बस इसकी विशेष लक्षण यह है कि जब भी पेशेंट सोने की कोशिश करता है और पहली नींद आते ही उसको एकदम से झटका सा लग के उठ जाता है पेशेंट, यानी पूरे शरीर में बहुत जोर के झटके लगते हैं, ऐसे पेशेंट को आप हाइसोस्टिग्मा 30 पोटेंसी में दें तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है। इस पेशेंट की नज़दीक की नज़र भी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जाती है, उसके लिए भी उत्तम मेडिसिन है हाइसोस्टिग्मा। इसी क्रम में मैं आपको एक और मेडिसिन बताता हूँ। ऐसी एक मेडिसिन है जिसमें जब व्यक्ति अचानक चलता है तो उसके शरीर में झटके लगते हैं। झटके लगने के साथ साथ जैसे वो चलते चलते उसको अचानक शरीर में इतनी कमजोरी होती है कि चलते चलते घुटने अचानक मुड़ जाते हैं, पेशेंट गिरने की स्थिति में आ जाता है। ऐसी ऐसी स्थिति में जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा उसके सिम्टम्स आप, और 2-4 जो सिम्टम्स हैं खास खास वो मैं बताऊंगा, तो आप आराम से इस मेडिसिन को दें, पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके पेशेंट को जैसे ये पेशेंट खिड़की दरवाजे कहीं भी कोई स्टील या लोहे की किसी चीज़ को छूता है तो इसको करंट जैसा लगेगा, जैसे करंट का झटका लगता है, बिजली का झटका लगता है, इस टाइप से झटका लगता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है स्ट्रिक्नीनम फॉस। स्ट्रिक्नीनम फॉस बहुत ही बेस्ट वर्क करती है जब हमारे शरीर में बिजली जैसे झटके उत्पन्न होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी बहुत ही अच्छी अच्छा टॉपिक था पार्किंसन पे। इसमें हमारे पास कई कमेंट्स भी आए, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है कि सर पार्किंसन के लिए कोई मेडिसिन बताएं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो जो मेडिसिन बताई है वे आप सिम्टम्स उनको अच्छी तरह से समझें, जब आप उनके सिम्टम्स समझ जाएं तब आप मेडिसिन को लें, अदरवाइज ऐसे आप बिल्कुल भी मेडिसिन ला लें, अपने डॉक्टर की सलाह लें नज़दीकी डॉक्टर्स की, या आप हमसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी इसके बावजूद भी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखना जो मेडिसिन हम बताते हैं उस मेडिसिन के हम एक एक खास सिम्टम्स जिसे हमारे होम्योपैथी में की नोट कहा जाता है, यानी की नोट का मतलब ये होता है कि जो विशेष लक्षण होते हैं किसी मेडिसिन के, वो मैं आपको अब उपरोक्त बता चुका हूँ, उसके अनुसार आप मेडिसिन किसी पेशेंट को देते हैं।
तो आप देखेंगे कि पेशेंट दिन प्रतिदिन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। जिसको भी हाथों पैरों में कंपन हो और जो जो सिम्टम्स मैंने बताए जैसे जेल्समियम और अर्जेंटिन नाइटिकम, दोनों मेडिसिन आप अल्टरनेट भी दे सकते हैं, यानी बदल बदल के दे सकते हैं। जैसे जेल्समियम दी आपने, 2 घंटे बाद आप अर्जेंटिन नाइटिकम दें, फिर 2 घंटे बाद जेल्समियम। इस क्रम से यदि आप पेशेंट को ये मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी पार्किंसन जैसी बीमारी से, कंपन वाले पक्षाघात से, टाइमर भी इसको कहते हैं, इनसे बहुत जल्दी निजात पा जाता है और बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। वीकनेस शरीर में जो आ चुकी होती है आहिस्ता आहिस्ता वो सारी ख़त्म हो जाती है और पेशेंट पहले से भी बेहतर जीवन जीने लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।